हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर्य इंद्रपाल गंगवार, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन सिक्स, द विलेज एंड द सिटी लाइफ, गांव और शहर का जीवन, इंग्लिश रीडर की बुक है ये, पेज नंबर 23 पर है, द विलेज एंड द सिटी लाइफ। इस चैप्टर को आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, द विलेज एंड द सिटी लाइफ। ये चैप्टर हमारा, विलेज माने होता है गांव, एंड द सिटी लाइफ और सिटी माने होता है शहर, गांव और शहर के जीवन के बारे में हम इस चैप्टर में आपको बताते हैं। पहले रीड करते हैं, श्याम लिव्स इन अ सिटी एंड हिज फ्रेंड दीपक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, बोथ स्टडी इन ए स्कूल एट कानपुर, दे लिव इन ए हॉस्टल, वन डे श्याम टेक्स दीपक राउंड द सिटी। श्याम लिव्स इन ए सिटी, श्याम कहाँ रहता है, सिटी माने एक शहर में, लिव माने होता रहना, श्याम एक शहर में रहता है, एंड हिज फ्रेंड और उसका मित्र, एंड माने और हिज फ्रेंड उसका मित्र दीपक, लिव माने रहता है इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में रहता है, बहुत स्टडी इन ए स्कूल एट कानपुर, बहुत माने दोनों, स्टडी माने अध्ययन करते हैं, इन ए स्कूल एक स्कूल में, एट कानपुर कानपुर के एक जो है स्कूल में क्या करते हैं, दोनों अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दे लिव इन ए हॉस्टल, वो दोनों कहाँ रहते हैं, दे माने वे, लिव माने रहते हैं, इन ए हॉस्टल माने एक छात्रावास होता है, उस छात्रावास में रहा करते हैं, वन डे श्याम टेक, एक दिन श्याम ने टेक्स माने ले जाता है दीपक राउंड द सिटी, दीपक को कहाँ ले जाता है, राउंड माने घुमाने, दी सिटी माने शहर, एक दिन श्याम को दीपक घुमाने ले जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, श्याम डिड यू विजिट द सिटी एयरलियर, डिड यू विजिट द सिटी एयरलियर, दीपक कहता नो आई डिड नॉट, आई केम हेयर द फर्स्ट टाइम, कानपुर इज अ बिग सिटी इज नॉट इट, श्याम कहता है यस इट इज अ बिग सिटी, देयर इज ऑलवेज ए हुज रश ऑन द रोड्स, दीपक कहता है आई सी ए लॉट ऑफ पीपल एंड व्हीकल एवरीवेयर, आर द रोड्स ऑलवेज सो क्राउडेड, श्याम कहता है यस हियर इन द सिटी पीपल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, देयर इज ऑलवेज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड एंड एट द क्रॉसिंग, दीपक कहता है लुक व्हाट इज दैट मैन इन यूनिफॉर्म डूइंग, ठीक है, अंडरस्टैंड समझ में आपको आ गई होगी रीडिंग, इसकी हिंदी बताते हैं, श्याम कहता है डिड यू विजिट द सिटी एयरलियर, मतलब क्या डिड यू विजिट, क्या आपने क्या करा है, इस शहर में क्या आप घूमे, क्या इस शहर में घूमे हैं, दीपक कहता नो आई डिड नॉट, मैं नहीं घूमा हूँ, आई केम हियर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, कानपुर इज अ बिग सिटी, कानपुर एक बड़ा शहर है, इज नॉट इट, क्या ये नहीं है, वो कहता इज नॉट इट, क्या नहीं है, श्याम कहता है यस हाँ इट इज अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर है, देयर इज ऑलवेज ए रश ऑन द रोड, यहाँ पर क्या है, ऑलवेज माने सदैव, कैसे हौज माने होता है विशाल, रस माने होता है भीड़, ऑन द रोड हमेशा यहाँ पर क्या रहती है, रोडों पर हमेशा सड़कों पर यहाँ भीड़ रहती है, दीपक कहता है आई सी ए लॉट ऑफ पीपल, हाँ मैंने भी क्या देखे, आई सी मैंने देखे लॉट ऑफ पीपल, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, कहाँ पर, एंड कहना व्हीकल माने वाहन से, एवरीवेयर माने यहाँ, मैंने वाहन से यहाँ पर लोगों को बहुत देखा है, बहुत वाहन चलते हैं, आर द रोड ऑलवेज सो क्राउडेड, कहना क्या यहाँ के रोड इतने ही बिजी रहते हैं, यहाँ के रोड क्या इतने ही व्यस्त रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है रोडों पर, क्राउडेड माने भीड़, यहाँ इतनी भीड़ रहती है, इसे हम कहता है यस हियर इन द सिटी, हाँ इसी शहर में पीपल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, लोग तरह तरह के, अलग अलग तरह के लोग वाहनों का यूज करते हैं, कोई क्या करता है कार से, कोई बाइक से, कोई किसी तरह से अलग अलग यूज करते रहते हैं, कह रहे देयर इज ऑलवेज हैवी ट्रैफिक, देयर इज यहाँ है ऑलवेज माने सदैव हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, शहर क्या करता है जो है ट्रैफिक माने यातायात, वाहन बहुत वाहन चलते हैं रोड पे, एट द क्रॉसिंग और क्रॉस करते हैं, दीपक कहता लुक देखो व्हाट इज दैट मैन इन यूनिफॉर्म डूइंग, लुक माने देखो व्हाट इज दैट मैन, ये देखो जो व्यक्ति है इन यूनिफॉर्म डूइंग, ये क्या कर रहा है, यहाँ जो व्यक्ति है
वो क्या कर रहा है, लोक माने देखो। तो वो कहता है दीपक किससे, पहले श्याम दीपक को बताता है कि इस रोड पर देखो कितनी भीड़ है, और यहाँ पर जो है एक पुलिसमैन होता है जो वाइट यूनिफार्म पहने होता है। अब उसके लिए पूछता है ये पुलिसमैन या ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा इसका। नेक्स्ट आता है हमारा अगले, श्याम ही इज़ ए ट्रैफिक पुलिसमैन, ही कंट्रोल्स दी ट्रैफिक एट द क्रॉसिंग, दी ट्रैफिक पुलिसमैन इज गिविंग द सिग्नल लेट अस क्रॉस नाउ। दीपक कहता है यस लेट अस गो नाउ, व्हाई आर दीज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स मार्क्ड ऑन द रोड एट द क्रॉसिंग। श्याम कहता है दीज स्ट्राइक्स स्ट्रिप्स एंड मार्क्ड फॉर द पेट्रियन टू क्रॉस द रोड, कहता दीज स्ट्रिप एट मार्क्ड फॉर द पेट्रियन टू क्रॉस द रोड, इट इज कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। दीपक कहता है अगले नेक्स्ट, व्हाट फैकल्टीज आर अवेलेबल इन बिग सिटी, इसकी हिंदी बताते हैं इतनी। श्याम ही इज ए ट्रैफिक पुलिसमैन, ही माने वह, इज माने है, ए माने एक ट्रैफिक पुलिसमैन, एक है एक यातायात वाला पुलिसमैन है जो वाइट यूनिफार्म पहना है, वो क्या है ट्रैफिक माने यातायात, जो है हमारा यातायात जो पुलिसमैन सिपाही है जो यातायात को इधर से उधर संचालन कर रहा है। ही कंट्रोल माने जो क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। दी ट्रैफिक माने ट्रैफिक, जो यातायात जो वाहन आ रहा है उनको एट द क्रॉसिंग पर। दी ट्रैफिक पुलिसमैन इज गिविंग द सिग्नल, जो हमारा जो पुलिसमैन है सफ़ेद जो यूनिफार्म पहना है ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो क्या कर रहा है सिपाही, गिविंग द सिग्नल दे रहा है लेट अस क्रॉस नाउ, जिधर जाना है किधर आना है वो अपने हाथ से क्या कर रहा है सिग्नल दे रहा है। दीपक कहता है यस हाँ ठीक है लेट अस गो नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, जाना चाहिए। वाई आर दीज ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइक्स मार्क्ड ऑन द रोड एट द क्रॉसिंग, जो स्ट्रिक्स जो है मार्क्ड ऑन द क्रॉसिंग, कह रहे हैं लेट अस गो नाउ, अब हमें क्या कि यहाँ पर जो ब्लैक और वाइट जो पट्टी बनी हुई हैं, धारियाँ बनी हुई हैं क्रॉसिंग रोड पर, ये किस लिए हैं। तो श्याम कहता है दीज हैं स्ट्रिप्स एट मार्क्ड ऑफ द पेट्रियन टू द क्रॉस द रोड, ये किसके लिए हैं, पैदल यात्रियों के लिए, किसके लिए, ये पैदल यात्रियों के लिए हैं, ये जो इट इज़ दी कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, ये क्या कहलाती है, ये जेब्रा क्रॉसिंग कहलाती है। दीपक कहता है व्हाट फैकल्टीज आर अवेलेबल बिग सिटी, क्या यहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्थाएं हैं अवेलेबल, ऐसी व्यवस्थाएं फैकल्टीज़ की ऐसी व्यवस्थाएं हैं शहर में। मुख्यम कहता है इन बिग सिटीज़ देयर आर बैंक वेल इंक्वायर्ड हॉस्पिटल एजुकेशनल इंडस्ट्रीज एंड मॉल्स ETC, कह रहे हैं यहाँ पर क्या है इस बड़े शहर में बैंक भी है इन और क्या है बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, एजुकेशन शिक्षा इंडस्ट्रीज़ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र भी हैं, इंस्टीट्यूट जो होती है इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड मॉल्स हैं एजुकेशन और शिक्षा के जो शिक्षा संस्थान भी हैं एंड मॉल्स, मॉल्स का मतलब एक एक छत के नीचे बहुत सारा सामान है, कहते नहीं मॉल्स, माल बने मतलब जो होता है बहुत सारे मतलब जो मॉल है बने हुए, इन मॉल You can purchase all sort of things as well as you can get entertainment. People lead a very comfortable life here. कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं यहाँ से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, परचेज करते नहीं करते हैं? एक जगह से बहुत सारा सामान, सभी सामान एक ही जगह से खरीद लिया करते हैं। पीपल लेड दी कंफर्टेबल लाइफ, और लोग क्या करते हैं अपना जीवन बहुत आसानी से, अपना जो लाइफ बहुत आसानी से बहुत अच्छी लाइफ बिताते हैं। आफ्टर विजिटिंग दी सिटी दे केम बैक टू देयर हॉस्टल इन द इवनिंग, आफ्टर माने बाद में, विजिटिंग माने वो यात्रा करके या मतलब घूम कर, सिटी माने शहर में, दे केम बैक वापस आते हैं टू देयर हॉस्टल, हॉस्टल में इन द इवनिंग माने शाम को वो वापस आ जाते हैं हॉस्टल में। श्याम कहता है नेक्स्ट,
कि हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हेयर, आई हैव नेवर सीन ए विलेज. श्याम कहता है हाउ फार इज योर विलेज, हाउ माने कैसा है, फार इज योर विलेज आपका गांव कैसा है, फ्रॉम फार हाउ फार आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है, फार माने दूर, हाउ फार इज योर विलेज आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है. वो कहता है आई हैव नेवर सीन ए विलेज, आई हैव नेवर मैंने कभी नहीं देखा है ए विलेज, मैंने गांव कभी नहीं देखा है. नेक्स्ट संडे अगला जब रविवार आता है तो दीपक टेक हिज फ्रेंड टू हिज विलेज अरजपुरा. दीपक फादर रिसीव्स देम एंड दे गो टू विलेज बाय ए ब्लू कार्ड. नेक्स्ट डे जब अगले संडे जब आता है तो दीपक के पिताजी ऋषिप माने उन्हें ले जाते हैं, देम माने दोनों को, देम उन्हें ले जाते हैं एंड गे गो टू विलेज बाय द ब्लू कार्ड, बैलगाड़ी से ले जाते हैं. उन दिनों की बात होगी जब बैलगाड़ी चला करती होगी और ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होगी उनके गांव के लिए, तो कहाँ किसे ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी से, जहाँ बैल चलते हैं बैलों से, बैल वाली गाड़ी, बैलगाड़ी से ले जाते हैं. श्याम कहता है लुक देखो, व्हाट इज़ दैट मैन डूइंग इन द फील्ड, लुक माने देखिए, व्हाट इज़ दैट मैन ये आदमी क्या कर रहा है इन द फील्ड खेतों में, ये आदमी खेतों में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है. दीपक कहता ही इज़ ए फार्मर, ये क्या है, किसान है. ही इज़ प्लोइंग द फील्ड, ये क्या कर रहा है, ही माने वह, इज माने है, प्लोइंग माने जोत रहा है, द फील्ड माने खेतों को, क्या कर रहा है वो, खेतों को जोत रहा है. तो ये हमने बताया इसमें क्या कर रहा है, यहाँ हमने पुलिसमैन बताया, पुलिसमैन क्या करता है, सिग्नल देता है. तो सिग्नल के बारे में उन्होंने बताया कि सिग्नल दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा, और उन्होंने कहा कि श्याम क्या कर रहा है, यहाँ कहा क्या गया शहर में, शहर की उसने पूरी स्टोरी बताई. तो श्याम ने इन्हें बताई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर क्या है शहर में, सिटी में हॉस्पिटल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट होता है हमारा क्या होता है, शिक्षा संस्थान, एंड मॉल्स हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, सभी अपना सामान जितना है परचेज करते हैं, सभी बाई कर लेते हैं जितना सामान जो भी लेना है उन्हें, एक छत एक ही जगह से जाके अपना पूरा सामान वहाँ से खरीद लिया करते हैं. और इस तरह से जो उन्होंने शहर का जीवन बताया. फिर श्याम से जब वो कहता है, श्याम कहता है किससे, दीपक से, कि हाउ फॉर इज़ योर विलेज फ्रॉम हेयर, कि आपका, श्याम पूछता है दीपक से कि आपका जो गांव यहाँ से कितनी दूर है, तो वो बताता है यहाँ से थोड़ी सी दूर है मेरा गांव. तो वो कहता है कि आई हैव नेवर सीन ए विलेज, क्योंकि गांव में रहने शहर में रहने वाला था, उनने कहा मैंने कभी इस गांव नहीं देखा है, मैं भी वहाँ गांव जाना पसंद करूँगा. जब संडे आता है, संडे की छुट्टी होती है, तो संडे को वो जो है नेक्स्ट संडे दीपक टेक फ्रेंड टू हिज विलेज रजपुरा, वो अपने गाँव ले जाता है रजपुरा, और उसके पिताजी जो हैं उसे उन्हें रिसीव कर लेते हैं, दोनों को ले जाते हैं कहाँ पर, अपनी बैलगाड़ी से, कहाँ ले जाते हैं, गांव में अपनी बैलगाड़ी से उन्हें ले जाते हैं घुमाते हुए, और कहाँ पर, अपने गांव ले जाते हैं. फिर दीपक वहाँ देखता है लोग किस तरह से तरह तरह के कार्य करते हैं, देखा है कि फार्मर क्या करते हैं, अपने खेत जोतते हैं, खेतों में काम करते हैं. तो ये कौन, श्याम चक्कर में पड़ जाता है, तो दीपक से वो पूछता है, दीपक कहता है ही इज़ ए फार्मर. दीपक श्याम पूछता है कि लोग देखो ये क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट मैन, वो आदमी क्या कर रहा है इन द फील्ड खेतों में. तो दीपक उन्हें बताता है, क्योंकि दीपक गांव का रहने वाला है और श्याम शहर का रहने वाला है, तो दीपक बताता है गांव की स्टोरी कि ही इज ए फार्मर, वो क्या है, किसान है. ही इज प्लोइंग द फील्ड, वो खेत जोत रहे हैं, ठीक है. आफ्टर प्लोइंग द फील्ड ही विल सो सीड्स, आफ्टर सम टाइम द सीड्स विल जर्मिनेट एंड विल ग्रो इन टू प्लांट. इट इज़ द सीजन ऑफ रवि क्रॉप व्हेन वीट ग्रेम एंड बरली ईटीसी आर सो. श्याम हाउ मैनी टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन, दीपक कहता है थ्री टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन आवर कंट्री, दे आर रवि खरीफ एंड जायद. श्याम कहता है सीइंग द चौपाल, वाई आर पीपल gathering here and what are they doing. दीपक कहता the village people are gathering at the chowpal, they come here to discuss their problem and to get entertainment. श्याम कहता है how do the village people lead their lives here. दीपक here the village people lead a
a very simple and healthy life. They get fresh vegetables and fruits to eat. The atmosphere is also very peaceful. Peaceful people work hard from morning till evening. Morning till evening. Deepak, here the village people lead a very simple and healthy life. They get fresh vegetables and fruits to eat. The atmosphere is also very peaceful. People work hard from morning till evening and they are happy. Shyam, of course, I agree with you. Really, the village life is very pleasant. The air is open and fresh. It seems that the man is in the lap of nature. Next day, they return to their hostel in the city. इन लोगों ने बताया कि after some time, कुछ समय के बाद क्या होगा, जब वो खेत जोत रहे हैं तो उन्होंने कह रहा है कुछ समय के बाद क्या होगा, यहाँ जो किसान हैं जब खेत जोत कर क्या कहेंगे, सो सीड्स, मतलब बीज बोएंगे, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये क्या होगा, यहाँ जर्मिनेट, मतलब बीज क्या होगा, जमेगा, विल ग्रो इट प्लांट, और क्या होंगे, पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, पौधे आएंगे, प्लांट होगा, पौधे होंगे. इट इज़ द सीजन ऑफ रवि, इस समय क्या है, रवि की क्रॉप आएगी. वैन इससे क्या होगा, जैसे गेहूँ है, चना है, बाजरा है, ये जो खेती यहाँ से होंगी, आरसू यहाँ होगा. श्याम कहता है हाउ मैनी टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब कितने प्रकार की जो हैं फसलें होती हैं, तो दीपक बताता है 3 टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन आवर कंट्री, हमारे देश में 3 तरह की जो होती हैं हमारे फसलें होती हैं, 3 तरह की जो होते हैं हमारे क्रॉप फसलें बोई जाती हैं मौसम के अनुसार. कौन कौन से होती हैं, उन्होंने कहा रबी, खरीफ एंड चाय. श्याम कहता है सींग दी, अब वो श्याम जब पहुँचता है जब गाँव, तो वो वहाँ दिखता है कि लोग बहुत बैठे हुए हैं, उन्हें ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या श्याम बताता, श्याम पूछता है सींग तो चौपाल, एक चौपाल होती है, उन चौपाल में ये लोग क्या कर रहे हैं. सींग देखता है चौपाल को देखता है, तो कह रहा है वाई आर पीपल क्रेडनिंग हेयर एंड वाट आर दे डूइंग, यहाँ पर लोग क्यों एकत्र हैं और क्यों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं और क्यों एकत्र हैं. तो दीपक बताता है द विलेज पीपल आर ग्रेडिंग एट द चौपाल, लोग कहाँ हैं गाँव में क्या करते हैं, लोग अपने चौपाल में बैठे हैं. दे कम हेयर डिस्कस, वो अपना अपना विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं देयर प्रॉब्लम, और अपनी अपनी एक दूसरे की समस्याएं जो भी हैं आर दी कैट इंटरमेंट, और एक दूसरे की अपनी अपनी आपस की समस्याएं एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे कि उनका सलूशन कुछ ना कुछ निकल जाए, वो अपने एक दूसरे को बता रहे हैं. श्याम कहता है हाउ डू द विलेज पीपल लीड देयर लिव हियर, कि यहाँ के लोग कैसे जो हैं एक दूसरे के साथ कैसे किस तरह से रहते हैं. तो दीपक बताता है हियर इज़ द विलेज लीड ऑफ वेरी सिंपल एंड हेल्थी, यहाँ के लोग कैसे हैं, बहुत सिंपल, बहुत सादा लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और हेल्दी लाइफ, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं. और कहते हैं दे गेट फ्रेश वेजिटेबल, को अच्छे अच्छे क्या करते हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियां खाते हैं और ताज़े ताज़े फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूटा फल खाते हैं. दी एटमोसफियर इज़ आल्सो वेरी पीसफुल, और कैसा है हमारे यहाँ का वातावरण, यहाँ का वातावरण भी बहुत शांतिप्रिय है, पीसफुल शांतिप्रिय, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है. पीपल वर्क हार्ड, लोग कठिन परिश्रम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एंड शाम को क्या करते हैं, लेट सोते हैं, कह रहे हैं इन द इवनिंग, एंड दे आर हैप्पी, और वो खुश रहते हैं. श्याम कहता है ऑफ कोर्स, वास्तव में आई एग्री विद यू, मैं आपसे क्या हूँ, सहमत हूँ. रियली द विलेज लाइफ इज़ वेरी प्लेजेंट, गाँव का जीवन बहुत ही प्रसन्ननीय है, बहुत ही अच्छा है. द एयर इज़ ओपन एंड फ्रेश, यहाँ की हवा कैसी आ रही है हमें, ताज़ा और शुद्ध हवा आ रही है यहाँ पर हमें. इट सीम डैट द मैन इज इन द लेप ऑफ नेचर, और यहाँ के लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट डे दे रिटर्न टू द हॉस्टल, और अगले दिन वो कहाँ चले जाते हैं, गाँव, शहर को, हॉस्टल में वापस चले जाते हैं. इसी बात, थैंक यू.